ओवरसाइज टी शर्ट आज की डेट का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स है, बट आज भी मोस्टली लोग उसको गलत तरीके से पहनते हैं या फिर वो गलत साइजेस ऑर्डर कर लेते हैं व्हाइल दे आर शॉपिंग। और इनफैक्ट कुछ टी शर्ट्स को ऑल्टरेशन की भी जरूरत होती है बट कोई करवाता ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 बजट ओवरसाइज टी शर्ट दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू एक्चुअली स्टाइल देम राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक पूरा स्टाइलिंग सेशन भी होगा, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Before we start with the video, there are these influencer awards happening for which I have been nominated and I am super excited. मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ और मुझे वहाँ पर जाके वोट करो in case I have added any sort of value to your life when it comes to fashion, personality development or grooming. वोट करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और साथ में कमेंट्स में पिन भी कर दूंगा। यू नीड टू रजिस्टर एंड वोट फॉर मी इन द बेस्ट फैशन कैटेगरी अवार्ड मेल 2023। अब बात करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइलिंग ओवरसाइज टी शर्ट्स। नाउ हियर यू नीड टू फॉलो द रूल ऑफ थर्ड्स। बहुत सिंपल रूल है, जो आपका बॉटम वेयर है दैट शुड बी द 2/3 ऑफ योर आउटफिट एंड जो अपर वेयर है वो 1/3 होना चाहिए। बट ओवरसाइज टी शर्ट्स के चलते ज़्यादातर ब्रांड्स ये करते हैं कि 4 शोल्डर से तो लूज कर देते हैं, ड्रॉप शोल्डर दे देते हैं, बट लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी रखते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट लगती है एंड वो स्टाइल अप होने की बजाय डाउन हो जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपकी ओवरसाइज टी शर्ट जो आपने ऑर्डर की है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, यू नीड टू गेट इट ऑल्डर समवेयर अराउंड योर क्रॉच एरिया। सेकंड पॉइंट आता है बॉटम वेयर का, नेवर गो फॉर स्किनी फिट्स विद ओवरसाइज टी शर्ट्स, ऑलवेज गो फॉर स्ट्रेट फिट्स और लूज फिट्स लाइक कार्गोज, स्ट्रेट डेनिम्स एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज कि जब भी आप ओवरसाइज टी शर्ट स्टाइल करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट है आपकी ऊपर टी शर्ट्स पे, देन यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके कार्गोज हैं या फिर आपकी जो जीन्स है वो बेसिक हो, ज़्यादा डिस्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट टी शर्ट इज गोइंग टू बी द हाईलाइट एंड द स्टेटमेंट पीस ऑफ योर आउटफिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस भी ब्रांड से आप ओवरसाइज टी शर्ट्स ऑर्डर कर लें उनका ओवरसाइज टी शर्ट्स का साइज चार्ट जरूर कंसिडर कर लेना, ओनली देन ऑर्डर आफ्टर यू एक्चुअली सी इट एंड कंपेयर विद योर करंट साइजिंग। द फर्स्ट ओवरसाइज टी शर्ट एंड वन ऑफ माई करंट फेवरेट टी शर्ट्स इज दिस वन, जिसपे वेनमस लिखा हुआ है आगे और साथ में ये पीछे सांप दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कीप अवे। नाउ इस टी शर्ट का फिट एब्सोल्यूटली ऑन पॉइंट है, ये ना ही बहुत ज़्यादा लेंदी है, ड्रॉप शोल्डर है एंड साथ ही साथ इसके कपड़े की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। जब टी शर्ट थोड़ी हैवी होती है देन बाय डिफॉल्ट वो ओवर साइज में ज़्यादा अच्छी फिट करती है लाइक दिस वन। ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है इसकी क्वालिटी चेक करने का, विच इज़ द नेक लाइन। जो आप ये रिबिंग देख रहे हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली अ गुड वे टू जज हाउ द क्वालिटी ऑफ एन ओवरसाइज टी शर्ट इज़। नाउ यूजली ऐसी टी शर्ट्स आपको 3,500 या 4,000 में भी मिलेंगे आज के डेट और आज के फैशन के हिसाब से, बट दिस वन इज़ क्वाइट इन बजट। मेरा रेगुलर साइज मीडियम है बट मैंने इसमें स्मॉल मंगाया है। इसी की तरह 3-4 और टी शर्ट्स है सेम ब्रांड में, आई मेक श्योर दैट आई एड द लिंक्स टू ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट अप इज़ अनदर फेवरेट विच इज़ दिस ऑफ वाइड ओवरसाइज टी शर्ट दैट सेज फ्यूचर इज हेयर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑल्सो द प्रिंट ऑन दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी फंकी एंड ट्रेंडी एट द सेम टाइम, बट ये डिस्पाइट द फैक्ट प्रिंटेड है ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लगता, आंखों में नहीं चुभता। दो रीज़न है, एक तो बहुत ही ज़्यादा सटल प्रिंट है, सेकेंड इज़ कि ये ऑफ वाइट है, ये स्टार्क वाइट नहीं है। दिस इज़ अ सुपर वर्सेटाइल ओवरसाइज टी शर्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ योर ओवरसाइज टी शर्ट की जर्नी। ऑल्सो इसकी लेंथ एंड द फिट ओवरऑल इज ऑल्सो प्रीटी गुड। नाउ एंटायर जेन ज़ी कल्चर दीज ओवरसाइज फिट्स एक्सेट्रा इज अबाउट गोइंग आउट लाउड एंड आउट देयर, सो यू नीड अ कलर लाइक दिस विच इज़ डेफिनेटली लाउडर देन दी नॉर्मल। बट द गुड पार्ट अबाउट दिस वन इज़ कि ये कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्टाइल। हालांकि इसकी वर्सिटैलिटी थोड़ी कम है, प्रेफरेबली ये सबसे ज़्यादा ग्रेज और ब्लैक्स के साथ ही जाएगी। आई लव द फैक्ट कि ब्रांड ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रिंटिंग नहीं दे रखी बिकॉज इसकी प्रिंट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट बिकॉज इसमें बहुत ही मिनिमल प्रिंट दे रखा है इट डज़ नॉट रियली मैटर। अदर देन दैट द फिट ऑफ दिस टी शर्ट इज़ बैंग ऑन और इसमें जो मैंने साइज ऑर्डर किया है क्या दैट इज़ मीडियम विच इज़ ट्रू टू माई साइज। नाउ ओवरसाइज टी शर्ट्स में भी अगर क्लासी दिखना है द नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वन। प्रीटी मच ओल्ड मनी एस्थेटिक, बहुत ही ओल्ड स्कूल क्लासी वाइब दे दी है ये टी शर्ट एंड आई लव द फैक्ट दैट ब्रांड ने इसमें बहुत ही अच्छा पर्पल कलर का दे रखा है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी रॉयल कलर। दीज लाइन्स जस्ट मेक दिस टी शर्ट लुक वे मोर प्रीमियम देन इट इज़ और ये काफ़ी ऐसी महंगी लगती है व्हेन यू एक्चुअली स्टाइल इट, बट एक्चुअली दिस वन इज़ इन गुड बजट। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि ओवरसाइज टी शर्ट कम झोला ज़्यादा लगे, वो ज़्यादातर तब होता है जब वो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही फैली होती हैं, बहुत ही लंबी होती हैं।
The next t-shirt is just on point when it comes to fit. The one that I'm talking about here is this one. Bahut hi minimal design de rakha hai, yahan pe rave likh rakha hai. Good neckline, as I said, it is a very important factor when you're going for oversized t-shirt. Aur saath mein back print de rakha hai. Now, isme maine medium ki jagah small mangwaya tha because I just wanted that regular fit sort of an effect with drop shoulder. Agar aapko apna oversized puri typical fit chahiye, then go for the size which you generally wear. For instance, agar medium pehante ho, to medium le lena. Other than that, the print quality is decent, but the quality of the cloth is actually good. Next up is a t-shirt that I found cool but cozy at the same time. The one that I'm talking about here is this one. Color jo hai na wo bahut zyada neutral hai, muted hai, to kafi zyada cool lagta hai, but is t-shirt ke aesthetics overall kafi zyada interesting hai. I also like what the brand has written, for instance, good loaded mind etc. aur peeche likha hua hai intelligence is extremely lethal. These are the kind of details that you look for, especially while going for an oversized fit t-shirt, because agar aap dekhoge jitne bhi ye latest trends hain, these t-shirts etc., they always have some message to deliver, and this one fits the bill just right. अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं या फिर अगर किसी दिन चिल संडे आउटफिट का है, देन नेक्स्ट टी शर्ट इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू, विच इज दिस वन विच जस्ट सिंपली सेज सी सन सैंड. आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट द कलर स्कीम दैट द ब्रांड हैज यूज्ड इज एक्चुअली प्रीटी लाउड व्हेन इट कम्स टू प्रिंट, बट ओवरऑल शर्ट वाइट है विच काइंड ऑफ बैलेंसेज द इंटायर vibe of this tee. Iska kapda decent hai. Now this is one t-shirt that you might need to get altered. Ek to ye white hai to thodi zyada aur pheli hui lagti hai. So what you need to do is jab bhi aapke is t-shirt aaye, just check ki agar ye aapke crotch area se zyada niche ja rahi hai, just get it cut from the bottom. Now if you like heavily printed oversized t-shirt, then the next one is something which is definitely going to interest you a lot. The one that I'm talking about here is this one. Iska print definitely loud hai, but iska base color kafi zyada acha muted or neutral hai, which actually gives it a very interesting effect. Also this t-shirt is quite versatile, just that जो भी आप इसके साथ बॉटम वेयर या स्नीकर्स पहनो, दे नीड टू बी मिनिमल, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होने चाहिए, बिकॉज दिस टी शर्ट इन इट सेल्फ इज़ अ स्टेटमेंट पीस. जैसा कि मैंने कहा था, करंट ट्रेंड्स और फैशन इज अबाउट थॉटफुलनेस. द नेक्स्ट टी शर्ट ऑल्सो हैज अ मैसेज टू कन्वे. फॉर इंस्टेंस, इट सेज क्योर दिस सोल हियर, एंड यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है इसमें रिलैक्स ह्यूमन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Now it's a very different vibe to convey message, but it does have an interesting message. So agar ye aapki personality ke sath jata hai, something of this sort, then this is something that you can totally don, I feel. Last but not the least, one t-shirt which has minimal print and is super versatile to an extent ki aap apne doston ke sath chill karne ja rahe ho tab pehen sakte ho. In fact, agar aapki personality aisi hai jo parties pe t-shirts pehenna prefer karta hai, oversize pehenna, to wo bhi try kar sakte ho. The one t-shirt that I'm talking about here is this one, which says you deserve the world. It's a very cool sort of a t-shirt, khaskar iska jo color hai, that is also blue, which actually denotes the coolness, and saath mein jo isme likha hua hai, that is also something which is very interesting. Iski quality decent hai, and iski length ho sakta hai ki kafi cases mein lambi aaye, to agar lambi aa rahi ho to niche se katwa dena, ya phir aap french tuck bhi kar sakte hain. Now that I've shown you all these pieces, let's actually move on to the styling part.
होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, लर्न समथिंग न्यू, और आपको कुछ ओवरसाइज टी शर्ट्स इंटरेस्टिंग आपके बजट में मिल गई हो, जस्ट मेक श्योर यू वोट फॉर मी फॉर दैट कॉन्टेस्ट, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। और अगर यहाँ तक पहुँची गए ऐसे और सारी वीडियोज चाहिए तो YouTube पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टाइलिश बनना है और हजारों आउटफिट इंस्पिरेशन चाहिए तो Instagram चेक कर लेना और वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश।